तो गाइस, मम्मी और मैंने और मेरे छोटे मामा ने बना लिया है। अब बचे मेरे बड़े मामा, वो अभी तक सोए हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैंने सोचा सिमई बना देती हूँ इनके लिए, तो मेरा दूध फट चुका था। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी कर रही हूँ मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 1:30 बजे से, क्योंकि मैं आ तो सुबह गई थी 11:30 या 10:30, 11 बज चुका हुआ था, तो मैं आ गई थी खाना ना बना के आ गई थी। तो दोस्तों उसके बाद टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मैं अभी कर रही थी अपना ब्लॉग स्टार्ट दिन के 1:30 बजे से। इसके पापा गए हुए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं भी अकेली हूँ दुकान पर। तो दोस्तों अभी तो सुनसान नहीं हो रही है, क्योंकि आज इतनी चहल पहल नहीं है मार्केट में, बहुत मंदी चली हुई है मार्केट। तो दोस्तों एक बार दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को आगे का नज़ारा यहाँ पर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनसानी हो रखी है, तो उतनी भीड़ तो नहीं है। तो दोस्तों एक बार आगे को सब्जी वब्जी ये कुछ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर लगा रखी है सब्जी, यहाँ पर खड़ा हुआ है काली, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा अंधेरा जैसा आ रहा है, तो मैं उस साइड से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो दोस्तों अभी तो दिन का टाइम है, तो दिन में तो ज़्यादातर सुनसानी हो ही रहती है, तो अभी सुनसानी हो रखी है, यहाँ पे लगा रखी है सब्जी। तो दोस्तों रोज़ का रूटीन तो हमारा यही है सब्जी लगाने का, तो इसी तरह से लगाते हैं रोज़। तो वहाँ पे है रेस्टोरेंट हमारा ही है, और ये लोग बैठे हुए हैं बाहर पे। तो दोस्तों हमारा सब्जी लगाने का रूटीन रोज़ का यही है, क्योंकि हम लोग सब्जी इसी तरह से लगाते हैं रोज़। क्योंकि आप लोगों ने मेरा पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर ब्लॉकों में मेरे इसी तरह के सब्जी बाहर पे लगे हुए हैं, तो रोज़ का यही रूटीन होता है। तो दोस्तों मैं आ गई थी तो दुकान पे, अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी घर, क्योंकि मेरी बेटी गई हुई है स्कूल, तो वो जाने लगी है आजकल जा रही है यहाँ से चौकोड़ी, तो 4 बजे आती है, उसकी छुट्टी हो जाती है 3:30 बजे होती है शायद, तो यहाँ 4 बजे पहुँचते हैं, आधा घंटा पूरा लग जाता है। तो उसके बाद जो खाना पीना खाया उसने, फिर चली जाती है ट्यूशन उसके। तो दोस्तों मैं भी जाऊँगी, भी थोड़ी देर में ही जाऊँगी, मतलब क्योंकि 3:30 बजे तक जाऊंगी मैं भी, क्योंकि उसके आने के टाइम पे ही जाना पड़ता है मेरे को, तो दूर से आती है तो खाना पीना खिलाना पड़ता है। आजकल पहले से तो मैं नहीं जाती थी, खा लेती थी, वो वहीं पे था स्कूल, तो आजकल अब चौकड़ी जाने लग गई, तो दोस्तों खाना पीना मेरे को खिलाना पड़ता है, तो मैं चले जाती हूँ। तो उस तब तक तो मेरा भैया भी आ जाएगा कॉलेज से, क्योंकि वो गया हुआ है अभी कॉलेज। तो दोस्तों अब मिलती हूँ, आप लोग बने रहना मेरे इस वाले ब्लॉग पे, तो आगे को दिखाऊंगी मैं चल के जाऊंगी, तो आज आप लोगों को बेरीनाग का मार्केट दिखाऊंगी। तो दोस्तों नहीं जाऊंगी चल के, चलो कोई मेरे को पहुंचा देगा, भाई आ जाएगा तो मेरे को पहुंचा देगा, स्कूटी में जाऊंगी तो फिर नहीं दिखा पाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहो मेरे इस वाले ब्लॉग पे, क्योंकि दुकान में ग्राहक भी आ रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, आप लोग बने रहना मेरे इस वाले ब्लॉग पे। तो ये है दुकान, मैंने पहले भी दिखा रखी है आप लोगों को, ये पीछे का है, तो आगे को लगा रखी है सब्जी। तो दोस्तों आप लोग बने रहो, मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आ रखी है धार वाली तुरई, जो पहाड़ वाली होती है, ये वाली तुरई आने लग गई है दोस्तों अब, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी आने लग गए हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों मैं आ गई थी घर, अभी हो चुके हैं 4 बजने वाले हैं, खाना पीना खा लिया मैंने और बर्तन भी धो दिए हैं, और सब्जी वब्जी धो के रख दी, क्योंकि मैं सब्जी लाई थी दुकान में से। तो दोस्तों अब मैंने डाल रखे हैं कपड़े आज, तो मैं एक बार कपड़े उठा लेती हूँ, बहुत अच्छी धूप आ रखी थी, तो इस वजह से मैंने कपड़े डाले हुए थे आज, तो कपड़े उठाती हूँ। अब बिस्तर डाल रखा है, एक बार बिस्तर उठा लेती हूँ, मैं एक बार दिखाती हूँ, बहुत धूप लगी हुई है। ओ दोस्तों बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं बाहर पे इनके यहाँ पे, और बहुत ज्यादा धूप लग रही है, तो गर्मी होने लगी है अब नाग में भी,
तो एक बार मैं उठा लेती हूँ कपड़े, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक मेरी बेटी नहीं आ रखी है स्कूल से, वो भी पहुँचने वाली है, फिर उसके लिए खाना गर्म करना है मैंने, तो पहले मैं कपड़े वपड़े उठा लेती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से। हेलो, तो दोस्तों मैं मिली हूँ आप लोगों को सीधे शाम को, अभी बच चुका है 7:30, तो मैं करने लगी सब्जी की तैयारी। तो एक में तो मैंने चला ली है बीन्स और आलू, तो इसमें बनाती हूँ तरीदार वाली, इस वाले में। तो मैंने छोटे छोटे से आलू उबाल रखे हैं, घर वाले आलू हैं, क्योंकि बगल में रहते हैं ताई जी लोग, उन्होंने दे रखे थे को, ये हैं उबाल रखे हैं। आज मैं तरी वाली बनाऊंगी, तो मेरी चाय भी बना रखी, चाय भी पीती हूँ, और इसमें बनाती हूँ मैं आलू तरी वाली, और इसमें बना रखी है मैंने बीन्स और आलू। दोस्तों पूरा किचन फैला हुआ पड़ा हुआ है, तो बर्तन धोने हैं अभी, आटा मैंने नहीं गूंद रखा है। तो दिया बत्ती तो मेरी बेटी ने कर लिया है, दिया बत्ती यही कर लेती है शाम के टाइम में। तो अब इसमें डाल देती हूँ प्याज, तो एक तो मैं तरी वाली बनाऊँगी और एक सूखी बनाऊँगी। उसके बाद मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि भूल गई थी। उसके बाद थोड़ा काम भी रहता है शाम के टाइम में, सब्जी वब्जी काटना, अंदर का कपड़े वपड़े ये कुछ, तो टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो एक बार बैक कैमरा आपको दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये इसमें बनाती हूँ मैं न्यूट्ला और आलू वाली तरी वाली। तो इसमें बना दी है बीन्स। आप लोगों को बर्तन वर्तन साफ करने के बाद, आटा गूंदने के बाद, और फिर बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ये लोग तो 9:30 बजे तक आते हैं। और थोड़ा इसको भी बताती हूँ, क्योंकि होमवर्क है, आज मेरा भाई भी आया हुआ है, तो पीछे देख लेंगे आप लोग, ये दोनों यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठाती हूँ इसको भी। तो दोस्तों खाना पीना बना लिया है, रोटी भी बना दी मैंने, और ये लोग खाने लग गए हैं खाना, रिया और पवन, छोटा वाला भाई आ रखा है मेरा वो, और ये मेरी बेटी खाने लग गए हैं खाना। तो इन लोगों को तो मैंने दे दिया है, और उन लोगों के लिए बना के रख दिया है हॉटकेस में, तो अभी वो लोग आ जाएंगे तो फिर खाते हैं खाना। तो दोस्तों मैं मिली हूँ आप लोगों को सीधे दूसरे दिन सुबह, तो अभी बज चुके हैं 7:30, मेरा हो गया है नहाना धोना, और दिया बत्ती भी कर ली मैंने, तो अब धोने हैं थोड़े कपड़े। मैं डालती हूँ पहले कपड़े, डालती हूँ मशीन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मौसम, आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, 7:30 हो रखा है, धूप आ गई है। तो दोस्तों धूप तो आ गई है, और जिस समय सुबह की धूप आती है और सुबह होता है, तो पक्षियाँ चूँ चूँ करके आवाज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह। तो वही आवाज़ें आ रही थी अभी मैं जब बाहर को आप लोगों को दिखा रही थी। तो दोस्तों मैंने तो नहा लिया है, उसके पापा भी नहा के चले गए हैं। आज है बिक्कू त्यौहार, आप सभी को बिक्कू त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। तो हमारी पहाड़ में बिक्कू त्यौहार कोई तो नहीं जानते होंगे, जो मेरे ब्लॉग पहाड़ वाले देखते हैं वो तो जानते होंगे, जो बाहर वाले हैं वो नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों बिक्कू त्यौहार जो उसके बाद उसका पौधा होता है, मतलब हमारे वहाँ तो बाल बोलते हैं, तो उससे उस पौधे से बीज जड़ किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बिक्कू त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। और आज है भीमराव अम्बेडकर जयंती भी, तो भीमराव अम्बेडकर जयंती की को इस अवसर पर मतलब कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों अब करती हूँ मैं थोड़ा काम, क्योंकि काम तो मेरा कुछ नहीं हो रखा है, तो कपड़े डालने हैं, कपड़े हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज है छुट्टी, बच्चे सब सोए हुए हैं, तो कॉलेज भी नहीं है, भैया का कॉलेज भी नहीं है, और इसकी भी छुट्टी है, आज की गर्मी छुट्टी है, तो बैंक कहीं के सब कुछ बंद है आज। तो दोस्तों इसके पापा तो चले गए हैं दुकान में, और मैं भी कपड़े धोती हूँ, उसके बाद उठाऊंगी मैं इसको, क्योंकि ये देखो दोस्तों मैंने सोचा सिमई बना देती हूँ इनके लिए, तो मेरा दूध फट चुका था, अब इसको गाय को दे दूंगी, क्योंकि काम मेरा कुछ नहीं हो रखा है, हमने किचन भी वैसे पड़ा हुआ है, मतलब साफ तो किया मैंने शाम को, रखे थे बहुत सारे वैसे बर्तन भी रखने वैसे हैं, तो मैंने एक बार इसमें पानी लगा दिया है वॉशिंग मशीन में, तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े कपड़े। कपड़े डालने के बाद फिर करती हूँ और देती हूँ, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा पानी भी भर लेती हूँ।
एक बार वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े डाल देती हूँ दोस्तों, और पानी भरती हूँ, पानी आया हुआ है। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, देखती हूँ कि मैं हमारे वहाँ जैसे कोई त्यौहार हुआ या कुछ हुआ तो कुछ बनाते हैं मैं। तो दोस्तों मैंने कपड़े वपड़े भी धो लिए हैं, छाल लिए और थोड़े हाथों से धोने थे वो भी धो लिए, बड़े वाले थे। तो दोस्तों अब मैं बना रही हूँ पूरी, थोड़ी पूरी तो मैंने बना दी है और थोड़ी और बनानी है, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ी देर की बात करते हैं नाश्ता, एक बार थोड़ा चाय बना लेती हूँ, करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो गाइस मम्मी और मैंने और मेरे छोटे मामा ने बना लिया है, अब बचे मेरे बड़े मामा, वो अभी तक सो रहे हैं, वो बनाने वाले हैं। चल मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ये देखो अभी तक सोए हैं। तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दूसरे दिन की सुबह, अभी बज चुके हैं 11 बजने वाले हैं। तो मेरा काम ऑलरेडी सब कुछ हो ही गया है, तो झाड़ू पोछा कपड़े हपड़े बर्तन नाश्ता पानी सबको करा के सब अपने अपने, कोई स्कूल चले गया कोई दुकान चले गया। तो दोस्तों मैंने दिन का खाना भी बना लिया है, चावल बना रखे हैं, कद्दू की सब्जी बना रखी है और बड़ी वाली सब्जी बना रखी है, जो घर में बड़ी बनाते हैं उसकी सब्जी बना रखी है। तो दोस्तों दिन का खाना तो वो बना लिया मैंने, तो दोस्तों मैंने सलाद भी काट के रखा है, इसमें बना रखे हैं मैंने चावल, और ये है बड़ी वाली सब्जी जो घर में बड़ी बनाई जाती है, ये बड़ी है मांस और ककड़ी की, ये बड़ी बना रखी है, तो इसकी सब्जी बना रखी है मैंने, और कद्दू की सब्जी बना रखी है। तो एक बार मैं इनके लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि चावल ही चावल नहीं देती हूँ मैं इनको, क्योंकि रोटी भी और चावल भी दोनों चीज ले जाती हूँ। तो दोस्तों खाना पीना मैंने पैक कर दिया है और रोटी भी बना दी है, तो अब ले चलती हूँ सीधे, क्योंकि 11:30 हो जाएगा मेरे को जाने तक। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे, क्योंकि आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।